ऑल वी ऑल आर वेरी ऑब्लाइज दैट ऑनरेबल कोर्ट हैज ओपन ड्यूरिंग द वेकेशन बेंच ऑल्सो सो वी आर वेरी ग्लैड एंड वी आर वेरी ऑब्लाइज टू द ऑनरेबल कोर्ट द सेकेंड थिंग इज दैट द हियरिंग इन द मैटर हैज बीन स्टार्टेड एट 10:30 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बिकॉज द लॉर्डशिप हैज फिक्स द डेट फॉर टूडे एक चीज और बता दें अभी हम लोग की तरफ से जो पिटिशनर काउंसिल हैं सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एल पी मिश्रा हैज कंक्लूडेड हिज आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है स्टेट की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है वो अभी प्रोसीजर चल रहा है आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं लॉर्डशिप ने हम लोग को अभी अभी परमिट किया है अगर कोई और ऑब्जेक्शन है अभी ड्यूरिंग स्टेट के तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हम लोग के लिए ओपन है हम लोग उसको ऑब्जेक्शन अपना रेज कर सकते हैं और अभी आप लंच हो गया है तो प्रोसीडिंग अभी स्टॉप हो गई है लंच के बाद ये अभी कंटिन्यू रहेगा तो जिस तरीके सुनवाई चल रही है क्या लग रहा है फैसला निकल के आ पाएगा सामने फैसला जो भी आएगा वो न्याय के पक्ष में आएगा दोनों तरफों को कोर्ट सुन रही है और दोनों के जो जजमेंट्स हैं जो भी कोर्ट हो रहे हैं जो भी लॉ पे जो बहस हो रही है काफ़ी लॉ पे इसमें बहस हो रही है और जो एक्ट को लेकर के इन्हीं सब चीज़ों पे जो भी फैसला आएगा वो न्याय के पक्ष में आएगा अभी क्या क्या तथ्य रखे गए हैं अभी तथ्य यही रखे गए हैं जो स्टेट के काउंसिल हैं वो मंडल कमीशन जो हुआ था 1990 में जो भी मंडल कमीशन आया था उसमें जो 20% रिजर्वेशन जो दिया गया था स्टेट का आर्गुमेंट है कि हमने उसी को फॉलो किया है और वही उसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और हम लोग का यही जो पहले दिन से हम लोग का कहना है कि जो सुरेश महाजन का जो है जजमेंट उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है क्योंकि पॉलिटिकल जो बैकवर्डनेस है वो मंडल कमीशन में कवर्ड नहीं है ओबीसी आयोग बनाने की बात चल रही है अब लॉर्डशिप का जो भी डायरेक्शन होगा उसी पे आगे फर्दर ठीक है थैंक यू क्या कोर्ट ने अलग अलग